और बीएसई तो 11 हादसे में शहीद पायलट्स और अमले के अरकान की नमाज जनाजा अदा। शहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की, अस्करी हुकाम और शहदा के लवाहिकीन की भी शिरकत। वफाकी काबीना का इजलास। 11 हादसे में कीमती जानों के जिया पर इजहारी अफसोस। शुमाली वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में शहीद पाक फौज के जवानों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वफाकी काबीना ने इमरान नासिर को MD पासपोर्ट तैनात करने और वजारत तालीम के बारे महकमे वजारत इंसानी हकूक को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। इमरान खान का रोटी नान की कीमतों में इजाफे पर इजहार बरहमी। अवाम कर ले तैयारी, फिर पेट्रोल बम की बारी। पेट्रोल 5.15 रुपए फी लीटर, मट्टी का तेल 5.38 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज। हाई स्पीड डीजल 5.65 रुपए तक फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, शहर की सूरतहाल संगीन हो गई। सरजानी टाउन में पानी भर गया, लोग घरों में महसूर। कराची में करंट लगने से जाबहक अफराद की तादाद 14 हो गई। और सिंध हुकूमत सोई हुई है, कोई साथ देने नहीं आ रहा। मसाइल से निपटने के लिए फंड्स और वसाइल नहीं। मेयर कराची की वफाकी हुकूमत और मैरीटाइम एजेंसी से मदद की अपील। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं हाफिज नजमुस्साकिब। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए रोज न्यूज़।